सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज योगा दिवस है, 21 जून है, तो योगा दिवस की सबको शुभकामनाएं। आज सभी लोग योग में मगन हैं, योग करें निरोग रहे। लेकिन योग है क्या रियल में? क्या आसन प्राणायाम कर लेने मात्र से आप योग को पूर्ण रूप से कर लिए? यह तो ठीक वैसे ही है कि जैसे कोई पौधा है, उसको ऊपर से नहला तो रहे हैं, पत्तों को भिगो तो रहे हैं, लेकिन जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो महर्षि पतंजलि हैं, अष्टांग योग उन्होंने अपने योग सूत्र नामक ग्रंथ में दिया हुआ है। ये अष्टांग योग है क्या? उसमें शुरू में ही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन योग को लोग मात्र आसन और प्राणायाम तक ही मान लिए हैं। बहुत ज्यादा सिर्फ आसन ही कराया जा रहा है, योगासन क्या प्राणायाम। और यम नियम का तो कहीं भी जिक्र ही नहीं, और न ही जैसे आसन के लिए बड़े बड़े क्लब खुले हुए हैं, यम और नियम के लिए भी हो, कुछ नहीं है। सिर्फ आसन करा देंगे बस आप स्वस्थ हो गए, और आसन भी करने जा रहे हैं तो कैसे? किसको करने से मेरे जोड़ों के दर्द दूर हो जाएंगे, इसको करने से मेरे चेहरे पर निखार रहेगा। अरे भाई, चेहरे पर निखार तो फेसियल कराने से भी आ जाता है, योग करने क्या जरूरत है? पहला ये, योग करे निरोग रहे, तो योग के सभी सीढ़ियों का फल तो करना चाहिए ना। आप छत पर चढ़ने के लिए उसकी पहली दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो पहुंचेंगे। आप छलांग मारे किसी के सहारे पहुंचा दिए गए, उतरेंगे कैसे? समय पड़ने पर कैसे उतरेंगे? यम और नियम का अगर अपने जीवन में आपने पालन करना सीख लिया, और जो उसके नीचे यम नियम आसन तो स्वतः ही होने लगता है। एक छोटा सा बच्चा जन्मता वो भी आसन करता है, आप देखे होंगे, ताड़ासन सोए सोए ही करता, उठता है तो अपने पैरों को और हाथों को ऊपर नीचे टाइट कर लेता है, बिना बताए करता, बिना वो खेले कूदे तो रह ही नहीं सकता। यम और नियम है क्या? यम, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। जो नियम है इसमें शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, पांच तो इसमें। इधर देखिए, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। एक ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म की तरह चर्या, और दूसरा ब्रह्मचर्य का एक और रूप होता है कि व्यसन से दूर रहना। आप अगर इसका ही मात्र पालन करते हैं तो आप देखिए, जीवन में कई रोगों से छुटकारा तो स्वतः ही हो जाता है, चेहरे पर निखार भी बना रहेगा। संसार है तो रोग तो आएंगे, लेकिन वह आपको उतना परेशान नहीं कर सकते हैं जितना एक सामान्य व्यक्ति को परेशान करते हैं। लालिमा बनी रहेगी, क्योंकि देखिए ना, शौच नियम में पहला ही है शौच। अब यहां पर मात्र हम संकुचन अर्थ में लेते शौच को, जो नित्य कर्म होता है, आप शौचालय जाते हैं उसको ही पूर्ण से पेट को आप साफ कर लीजिए, देखिए कितना तरोताजा आप महसूस करते हैं। अगर पेट ही साफ नहीं है, आप कोई भी आसन कर लो भैया,
चेहरे पर निखार आने वाला ही नहीं है और रोग जाएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स भी कहते हैं सारे रोग की जड़ आपका पेट होता है। जिसका पेट नहीं साफ वह रोगी है। तो सोच इसीलिए दिया गया, सोच मन की शुद्धि। जब ये सोच हो जाता है ना, पेट की सफाई जो शरीर की है तो मन की सफाई भी होने लगती है। आप महसूस कर लीजिए, आपको बहुत तेजी से पेशाब लगा या लाइटिंग लगा है, आपका चेहरा सुंदर सा दिखता है। कोई बोलता था कहते रुको 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 बहुत तेज आई है, चेहरे पर फोड़े निकल सकते हैं अगर आप इसको सही से नहीं, जिसके पेट साफ होते हैं। आप कौन सा आसन करके उसको दूर कर सकते हैं बताइए? फेसियल करोगे, जैसे ही हटेंगे क्रीम पाउडर वो अपने चेहरे दिखाने लगते हैं। काला हो या गोरा व्यक्ति, अगर वह नित्य शौच को सही ढंग से करता है, चाहे एक बार हो चाहे दो बार हो चाहे तीन बार हो, लेकिन उसे आना चाहिए अपने से, नहीं कि दवा खा के आए। अगर होता है तो देखिए, अब दिन भर जो आसन करते हो ना उससे 100 गुना पहला ही सीढ़ी है शौच, फिर संतोष होता है। शौच को यानी बड़ा ही महत्व है। जितने भी आप आसन करते हो, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, पद्मासन, हलासन, मयूरासन, सर्फासन, भैया पेट साफ रहेगा ना नियम का जब फॉलो करोगे तभी वो फायदा करेगा, नहीं तो रोगी हो जाओगे बहुत भयानक। तो पहला तो ये बना लीजिए, आसन करने से पहले नियम का पालन करना बड़ा ही जरूरी है, जो नियम में है शौच। जो भी मनुष्य या जो भी मानव, आप देखेंगे जानवर भी शौच नित्य करते हैं। आजकल के मनुष्य भाग दौड़ की जिंदगी में उन्हें शौच सही से होता ही नहीं, सही से पानी पियेंगे ही। अच्छा, आप देखेंगे आसन करने के स्थान बहुत शहर में देखा है बंद कमरे में होता है, क्योंकि पहला ये खुली मतलब आसमान के नीचे होना चाहिए, बगीचा हो या छत होना चाहिए ऊपर का, बंद कमरे में एसी चलाई करने वाले से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका जो हार्ट होता है बहुत तेजी से ऑक्सीजन खींचता है जब मेहनत कार्य करते हैं, तो उसको शुद्ध हवा चाहिए ना। तो पहला तो शौच के साथ आसन करने के लिए सही स्थान आप चुन लीजिए। देखिए नियम में दूसरा है संतोष। जितना परिश्रम करने से प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करना चाहिए व्यक्ति को। अगर आप संतोष नहीं करते हैं तो भी रोग का कारण होगा। आप कितनों आसन कर लें संतोष ही नहीं है, आसन कहाँ सबको स्वस्थ रख सकता है। दवा भी उसी को फायदा करती है जिसके अंग काम करते हैं। किसी किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, दवा खिला के देख लो, डॉक्टर भी कहता है भैया जब दवा नहीं सूट कर रहा है, शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तब स्वस्थ कैसे हो गए? तो पहला है अपना अंग सही रखना, तभी भोजन भी लगेगा तभी दवा भी लगेगी। और दुआ तो इसमें देखिए है भी कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। संतोष तो करेंगे ही आप, परिश्रम करते जाइए, जो मिलता है संतोष करते जाइए और आगे के बारे में सोचते जाइए। संतोष तप, सर्दी गर्मी जैसे बहुत तेज गर्मी हो बहुत तेज ठंडी हो, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए शरीर में। सोना देखिए जितना तपता है उतना ज्यादा उसमें निखार आता है। ये शरीर है इसके अंदर सहन शक्ति होनी बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। तप इसीलिए दिया गया है तप, तपना। स्वाध्याय और परिधि अपना अध्ययन भी करना चाहिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। और दूसरा स्वाध्याय धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से व्यक्ति गलत मार्ग पर जल्दी नहीं जाता है। झूठ बोलना नहीं है, अगर बोलता हुआ है तो भी कोशिश करेगा कि थोड़ा कम बोले, ऐसे करते करते सुधार हो जाता है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को समर्पित कर देना जो कुछ आप करें। जब ईश्वर को समर्पित करके आप कोई कार्य करते हो तो आपसे जल्दी कोई कार्य गलत होगा ही नहीं। और जो आपके यम हैं, सत्य अहिंसा अस्ति अपरिग्रह ब्रह्मचर्य,
सत्य का पालन कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए सत्यता जरूर होनी चाहिए। अहिंसक आप हिंसा मत कीजिए, किसी जीव की या किसी बात से किसी को दुख मत दीजिए, अनजाने में हो जा रहा अलग बात है, जानबूझ के आप मत दीजिए। आप जान रहे कि बात करने से दुख होगा तो मत कहिए किसी से, मत सताइए किसी को, अनजाने में तो कुछ भी हो सकता है। अस्ति चोरी मत कीजिए, चाहे बातों से चाहे धन, किसी का मत चोरिए। अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आवश्यकता से ज्यादा किसी का संचय न कीजिए। ब्रह्मचर्य ब्रह्म की तरह चर्या होनी चाहिए, अपने वीर्य की अपरक्षा करे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा नहीं करता है वह तो ऐसे ही कंकाल हो जाता है। लाई का बुरा देखे है ना, मात्र ढांचा रह जाता है, अनेकों रोग उसको घेर लेते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जब और यम और नियम का आप सही ढंग से पालन करते हैं तो आप देखेंगे जब आसन करेंगे तो आपके अंदर वज्र की तरह अतुल शक्ति प्राप्त हो जाती है। नहीं तो वही ढंग रहेगा, सिर्फ मात्र आसन करेंगे प्राणायाम करेंगे ना तो वही हाल रहेगा जैसे पौधा कोई है उसके जड़ों में पानी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ पत्तों को धोया जा रहा है और दूर से लगता जो पेड़ है कितना हरा भरा है, और दूसरे दिन उसको क्या है पानी मत दीजिए तो देखिए पौधा सूख जाता है। लेकिन अगर जड़ों में पानी अगर जाएगा ना, अगर जड़ों से उसको पानी प्राप्त हो रहा है या मिल रहा है तो पौधा हरा का हरा रहेगा। आप देखेंगे गमले में जितने ही पौधे लगाए जाते हैं गर्मी के दिनों में, पानी मत दीजिए सूख जाएगा, क्योंकि उसका जो जड़ है वो पानी प्राप्त ही नहीं कर पाता है, और जो जमीन से जुड़ा हुआ पौधा है वो अपने पानी की व्यवस्था कर लेता है, क्योंकि आपने एक बार उसको जमा दिया जम गया। वैसे यम और नियम का पालन करते समय जड़ है ये, जो जीवन में इसका पालन करता है तो अगर आसन आप छोड़ भी देंगे, प्राणायाम छोड़ भी देंगे तो सालों साल आप आपके चेहरे पर निखार भी रहेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह जो योग दिवस आज है इसमें इसको जरूर शामिल कीजिए, और इसके लिए कहीं बैठने की जरूरत नहीं है न कुछ करने की जरूरत है भाई। शौचालय यम और नियम तो चलते फिरते आप कर सकते, अपने जीवन में कर सकते, इसको अपना अंग बनाइए। आसन करने के लिए समय निकालना पड़ता है, प्राणायाम करने के लिए समय, यम और नियम के लिए समय नहीं निकालना है। तो योग का पहला जो यह सीढ़ियां हैं इनको जरूर आप जीवन में फॉलो कीजिए, आप देखिए ना, और इनका जब फॉलो अप करेंगे तो आसन और प्राणायाम करने के लिए समय ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनका फॉलो अप जरूर कीजिए, अगर कोई योग कर रहा है, आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, तो इनको अपने जीवन में लगाइए कि इसको भी मुझे करना है, और अगर आप नहीं करते हैं तो ठीक वही हाल रहेगा, जैसे आप छोड़ेंगे फिर आ जाएंगे धड़ाम से गिर जाएंगे, फिर क्या फायदा, क्योंकि नित्य प्रतिदिन हर व्यक्ति एक जैसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि परिवर्तन होता तो आपके जीवन में तो कुछ काम पड़ेंगे, परिवर्तन आपके जीवन में भी होंगे कि रोज एक टाइम आप कर सकते हैं, एक जैसा समय कभी नहीं होता है हर व्यक्ति का। तो कुछ ऐसे कार्य कर लेने चाहिए कि अगर छूट भी जाए तो कोई फर्क न पड़े और चेहरे पर निखार हमेशा बना रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, योग करे निरोग रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।